Namaste! Welcome back once again to another new video. Today I'm going to share with you something interesting and yummy recipe. कल हमारे लिए जन्माष्टमी है, इस ईयर का जन्माष्टमी, तो इसलिए थोड़ा घर क्लीन करना, थोड़ा राधा गोविंद को सजाने के लिए थोड़ा प्लान प्रोग्राम चल रहा है. चलिए, मैं अभी थोड़ा चाय के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. अभी टाइम है, देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5:30 होने को है इवनिंग का. सो, इसलिए थोड़ा चाय वाय लेना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेश नहीं लगेगा. ये देखिए कल के लिए, ये छोले, कल के लिए बैंगन का सब्जी और मैंने साबुदाने का खिचड़ी जैसा. कल हम लोग जन्माष्टमी है तो इसलिए राइस नहीं लेंगे, तो इसलिए हम सोचे कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बनाए हैं, कुछ करते हैं. बारबी आ गई है, उसको बहुत नींद आया था, दोपहर को थोड़ा रेस्ट ले ली है. अभी उसको थोड़ा दूध देंगे, भूलोगी दादू को आसी बाबाई, जैसे मैंने मेरे वीडियो में मेंशन किया है कि जन्माष्टमी कल है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आज से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ. आपसे बातचीत करते करते मैं बारबी के लिए थोड़ा बहुत मैगी बना लेती हूँ, मेरे लिए भी और बारबी के लिए भी. आज तो ये मैगी बनाते बनाते आपको बताते हूँ आज क्या मैं शेयर करूँगी. आज एक वेज आलू का सब्जी शेयर करूँगी विदाउट एडिंग ऑनियन एंड गार्लिक, लेकिन जिंजर उसमें मैं ऐड करूँगी. बहुत अच्छा खाने में रहता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है खाने में. आशा करते हैं आप लोग पसंद करोगे. चलिए देखिए, बात करते करते मेरा डॉटर का खाना भी रेडी हो गया है, मैं फटाफट करके उसको दे देती हूँ. उसके बाद मैं भी थोड़ा चाय ले लूँगी, उसके बाद आपसे. मैगी मैंने उसके लिए बना लिया है, बाटी के लिए थोड़ा गर्म है, चलिए उसको दे देते हैं. मैं अपना चाय बना रही हूँ. ये एक इंस्टेंट टी है जो आप सिर्फ पाउच कट करके और थोड़ा गर्म पानी ऐड करोगे तो आपका टी रेडी हो जाएगा. इसके साथ चाय बनाते बनाते एक बात मैं ऐड अप कर देती हूँ. कल जन्माष्टमी है, अगर वीडियो नहीं कर पाया तो कुछ कुछ फोटो मैं ऐड करूँगी. तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा टी और मेरा इवनिंग स्नैक्स. मैगी थोड़ा बना ली हूँ, वो ही अभी खाएंगे. चलिए, चाय लेने के बाद जल्दी जल्दी करके रेसिपी की तरफ जाएंगे. फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सब्जी कट करेंगे रात का डिनर के लिए. मैं थोड़ा ज़्यादा करके बना लूँगी, कल थोड़ा काम भी है, इसलिए मैंने ये आलू कुछ 5 आलू ले लिया है, उसको मैं अच्छी तरह से चॉप करूँगी. चलिए दिखाते हैं. ये रेसिपी के लिए मेनली मुझे चाहिए आलू, तो मैं ये क्यूब के शेप में काट लूँगी आलू को. और उसके साथ मेरे पास एक्स्ट्रा वेजी था, वो गाजर था, वो भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया. खाना बनाते बनाते कुछ कुछ बर्तन सिंक में रह गया था, वो भी वॉश कर लेते हैं. और उसके साथ साथ थोड़ा और आलू भी मेरा बाकी था कट करने के लिए, वो भी मैंने कट कर लिया. मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से तरफ मैं खड़ी अगर हो जाऊँ तो आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँगी क्या मैं कर सकती हूँ, क्या कर रही हूँ. फ्रेंड्स, मैंने आलू को
ऐसा करके क्यूब्स करके कट कर लिया है। और बहुत सिंपल एक आलू का रेसिपी शेयर करूँगी जो बंगाल में बहुत ही सिंपली तरीके से बनाते हैं। कोई अगर कोई व्रत हो कि कोई जैसे जन्माष्टमी के टाइम में तो हम लोग कोई नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, तो इसलिए हम ये वेज खाना प्रेफर करते हैं। चलिए जल्दी करके आपको दिखा देते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है, आपको दिखा देते क्या क्या मुझे वेजिटेबल्स मैंने कट किया अपार्ट फ्रॉम आलू। तो ये पैन थोड़ा मैं गैस ऑन कर देती हूँ और एक कपड़ा से इसको क्लीन कर लेती हूँ अगर पानी है तो। मैं ये खाना रिफाइन ऑयल में बनाऊंगी, सो 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल आई एम एडिंग। उसके साथ साथ दिस इज़ द आलू, मैंने ये आलू को पानी से अच्छी तरह से धोकर मैं अभी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके आई एम पोरिंग लिटिल लिटिल ऑफ द आलू potato and I will fry this potato very nicely so that it can be become little bit soft. This cooking will be done on in this karai itself, so I will just cover it up and once again I will check. As I have covered and I have checked, it is being cooked very nicely. Just I'm just mixing it up. This is the time when I will just take this potato to some other vessels and I will empty this pan. Now I'm adding green chili too, 1 red chili, bell pepper 1, and some cubes of carrot. Meanwhile I will just grated this ginger. ये ginger को मैं अच्छी तरह से grated कर लूँगी। ये एक मसाला पड़ेगा, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम जस्ट एडिंग दिस जिंजर 2 क्यूब। इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू कैन ऐड ओनली 1, टोटली इट इज़ अप टू यू। नाउ आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ वाटर सो दैट इट शुड नॉट ड्राई अप और इट शुड नॉट बी बर्न। नाउ आई एम जस्ट कवरिंग अप बाय एडिंग द टोमेटो क्यूब्स। आफ्टर मीन वाइल I will just come back and I will see how much it has been cooked. Meanwhile, if you have any work, you can do it. Yeah, it has been cooked very nicely. The carrot has been became soft. Now I will add potato itself. Before adding anything, I'm just adding little bit salt so that it helps to make the vegetables soft, cook very fastly. So I will just cover it up once again. पानी तो आ गया है तो मैं फिर भी थोड़ा और पानी ऐड कर देती हूँ। एकदम अच्छी तरह से उसको नरम हो जाना चाहिए। अभी मैं आलू को ऐड कर देती हूँ। Now I'm just adding the potato and I will mix with the whole masalas. और मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर and a little bit of 1/2 teaspoon of black pepper. Now I'm adding hing. This is totally up to you. आपको जैसा चाहिए आप उतना ही हींग ऐड कीजिए। मैंने 1/2 teaspoon जैसा हींग ऐड किया हूँ। It will add the flavor of this recipe. Now I will mix it very nicely. इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मुझे लगता है थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा और मैंने थोड़ा और सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये सॉल्ट टोटली आपका प्रेफरेबल है।
हाउ मैंने आपका टेस्ट कैसा है उसके हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा ढक दूंगी, थोड़ा देर बाद मैं आकर इसको हिलाया हूँ। तो ये डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। ये मैंने एक रेसिपी आपसे शेयर किया है, बहुत सिंपल है, इजी टू मेक है। अगर कोई व्रत होता है, कुछ भी होता है, तो आप आराम से ये बना सकते हो। पूरा किचन का क्या हालत है, धीरे धीरे सब मैं कर लूँगी क्लीन। अभी मैं आटा मलूंगी। आज हम लोग का प्लानिंग है रोटी बनाने का, क्योंकि कल हम लोग का जन्माष्टमी है, तो मेरे हस्बैंड सब बाहर से फूल माला स्वीट सब लेकर आ गए हैं। मुझे इच्छा है एक स्वीट बनाने का, लेकिन देखते हैं कैसे क्या बना सकते हैं। बहुत सारा काम है, तो मेरा हस्बैंड कभी कभी मुझे हेल्प भी कर देते हैं। हस्बैंड बार्बी, बार्बी अभी थोड़ा नटखट हो गई है। मेरा हिंदी अगर आपको समझ में नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लड़की को क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लड़की और लड़का दोनों ही सेम है, दोनों ही तो देखिए ये खाना पूरा दम आलू का सब्जी बहुत सुंदर से रेडी है। आशा करते हैं आपको अच्छा ही लगा है। चले आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, और कुछ अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए, अच्छा रहिए, खुशी रहिए। हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। कोशिश करेंगे कल थोड़ा वीडियो करने के लिए, कैसे मैंने अपना राधा गोविंद को मैंने सजाया है, और देखते हैं क्या होता है। अच्छा रहिए, सेफ रहिए, बाय फॉर नाउ। ओके बार्बी, कम कम से बाय बाय बाय। डू डू वॉच द फुल वीडियो। बाय बाय। यस, ये है सिंपल आलू का सब्जी, बहुत इजी टू मेक है और बहुत ही टेस्टी। ये साबूदाने का खिचड़ी जो हम रात को ले रहे हैं, और बर्बी अभी टीवी देख रही है, और मैं शायद जन्माष्टमी में शूट नहीं कर पाऊंगी। अगर पॉसिबल मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरा गोपाल, इसको मैंने इनको मैंने ऐसे करके सजाया। ये मेरा राधा गोविंद है, मेरा गुरु, मेरा साईनाथ, मेरा राधा गोविंद, ये भगवान जी का भोग है। और ये सौंदेश मैंने पूरा घर पे ही बनाया है, ये टोटली होम, एक नारियल का सौंदेश और एक चॉकलेट का। और कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर कर रही हूँ। बार्बी उस दिन आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस की, उन्होंने डांस प्रेजेंट किया था हम सब के लिए, स्पेशली हमारे राधा गोविंद के लिए, हमारे गोपाल के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा। बाय फॉर नाउ एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी फ्रॉम मी एंड माय डॉटर। बाय बाय।